वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मैं हूँ जानवी खड़की। मैं यूएसए में अपना मास्टर्स कंप्लीट कर रही हूँ और आज के वीडियो में हम ऐसे पांच पब्लिक यूनिवर्सिटी देखेंगे जिनमें अप्लीकेशन फ़ीस ज़ीरो है, यानी आप फ्री में इन यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। और ये सारी यूनिवर्सिटी यूएसए में है। लास्ट मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने यूएस के टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में बताया था, जिसमें हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ये सारी यूनिवर्सिटी है। पर ये सारी यूनिवर्सिटी बहुत सारे स्टूडेंट के लिए आउट ऑफ बजट हो सकती है और टॉप 10 यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना भी इतना ज़्यादा सिंपल नहीं होता है, बहुत मुश्किल होता है। तो आज मैंने बहुत रिसर्च करके आपके लिए पाँच पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी ढूँढी है जिनमें आप आसानी से आपको एडमिशन मिल सकती है और जिनकी अप्लीकेशन फ़ीस भी ज़ीरो है। आप इन सारी यूनिवर्सिटी में अपने सेफ्टी के लिए अप्लाई करके रखिए और आपके प्रोफाइल के रिलेटेड भी कॉलेज सर्च करते रहिए। आज के वीडियो में हम जो भी पांच यूनिवर्सिटी देखने वाले हैं वो पब्लिक यूनिवर्सिटी है, यानी कि इन यूनिवर्सिटी को यूएस गवर्नमेंट या फिर इस स्टेट के गवर्नमेंट की तरफ से फ़ंड मिलते हैं, तो आप सिंपली इसको गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकते हो। अगर आप इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, आप यूएस में पढ़ने आना चाहते हो, तो पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी के कुछ एडवांटेजेस होते हैं, तो सबसे पहले हम वो देखते हैं। सबसे पहला एडवांटेजेस तो ये होता है कि यहाँ की ट्यूशन फीस बहुत कम होती है, अफोर्डेबल होती है। दूसरा एडवांटेजेस ये होता है कि यहाँ पर डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, जैसे कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में अलग अलग कंट्री के लोग एडमिशन लेते हैं। तो मेरा क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी, ये भी पब्लिक रिसर्च यूनिवर्सिटी है, तो यहाँ पर मेरी यूनिवर्सिटी में पाकिस्तान, नेपाल, चाइना, अरब, कोरिया, अलग अलग कंट्री के लोग हैं, तो उनसे इंटरेक्ट करने का, उनके कल्चर के बारे में जानने का मौका मिलता है। साथ में यहाँ पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन होता है, रिसोर्सेज भी होते हैं और रिसर्च अपॉर्चुनिटी भी होती है। पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन करने का एक मेन एडवांटेजेस ये होता है कि आपको अपना वीज़ा आसानी से मिल जाता है, यूएस का वीज़ा। अगर आपने यूएस वीज़ा इंटरव्यू अच्छे से दिया है तो मैक्सिमम चांस है कि आपका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। अभी हम यूनिवर्सिटी देखते हैं। सबसे फर्स्ट यूनिवर्सिटी है यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास रियो ग्रैंड वैली। तो ये यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट है 93% और इस यूनिवर्सिटी की अप्लीकेशन फ़ीस है ज़ीरो, यानी आप फ्री में यहाँ इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। और साथ में इस यूनिवर्सिटी को आप बैकअप ऑप्शन की तरह ले सकते हो। और इस यूनिवर्सिटी के रिसर्च करते वक्त मुझे पता चला कि इस यूनिवर्सिटी में मैक्सिमम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप ऑफर होती है। दूसरी यूनिवर्सिटी है मिशिगन टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी मिशिगन में है और मिशिगन एक पॉपुलर एरिया है, इस लोकेशन में बहुत सारी यूनिवर्सिटी है। तो अगर आप इस यूनिवर्सिटी में अपनी एडमिशन लेते हो तो आप दूसरे कॉलेज के यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर के साथ इंटरेक्ट करके उनके साथ आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो, आपका स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करने में हेल्प करेगा। इस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट है 86% और यूनिवर्सिटी में 3 इनटेक होते हैं, फॉल, स्प्रिंग और समर। तो अभी भी आप इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हो। लिस्ट के थर्ड नंबर पे है अरकनसास टेक यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी वर्ल्ड क्लास अपने एकेडमिक और रिसर्च फैसिलिटीज़ के लिए जानी जाती है। इस यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट है 94% और अप्लीकेशन फ़ीस है ज़ीरो। और इस यूनिवर्सिटी में 2 में से 1 स्टूडेंट को एडमिशन मिल जाती है, तो आप भी ये यूनिवर्सिटी कंसिडर कर सकते हो। लिस्ट के फोर्थ नंबर पर है लिंकन यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी अपने स्ट्रॉन्ग एकेडमिक बैकग्राउंड, रिसर्च अपॉर्चुनिटी और साथ में अफोर्डेबल ट्यूशन फीस के लिए जानी जाती है। अब तक हमने जितने भी यूनिवर्सिटी देखी है, सबसे कम एक्सेप्टेंस रेट इस यूनिवर्सिटी का है, जो कि है 61%। पर हर किसी स्टूडेंट का एकेडमिक बैकग्राउंड अलग अलग होता है, तो आपको एक्सेप्टेंस मिलने के चांसेस है। तो आप भी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि अप्लीकेशन फ़ीस तो ज़ीरो ही है। यूनिवर्सिटी में फॉल इनटेक की डेडलाइन है 15th of July और स्प्रिंग इनटेक की डेडलाइन है 1st of December। लास्ट वन ऑन अवर लिस्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन। ये यूनिवर्सिटी का एक्सेप्टेंस रेट है 86% और इस यूनिवर्सिटी की खास बात ये है कि इसके क्लास साइज छोटे हैं, तो आपको लेक्चर समझने में आसानी होगी, साथ में अफोर्डेबल ट्यूशन फीस भी है और कॉलेज कैंपस भी अच्छा है। इस पांच यूनिवर्सिटी के बारे में रिसर्च करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगा और इस यूनिवर्सिटी की अप्लीकेशन फ़ीस ज़ीरो है एटलीस्ट 2023 इस ईयर में, पर इन फ्यूचर ये चेंज भी हो सकती है। तो आप वेबसाइट पे जाके, यूनिवर्सिटी के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो। और इस टाइप की मैं वीडियो बनाती रहती हूँ, तो अगर आपको इस टाइप के वीडियो देखने में इंटरेस्ट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर इस वीडियो को 500 लाइक आ गए तो मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगी। तो इतने लाइक तो जनरली मेरे वीडियो को आते नहीं हैं, तो बस। और आज मैंने पहली बार आउटडोर शूट किया है, ये मेरे कॉलेज का कैंपस है। तो वीडियो के एंड में मैं थोड़ा सा कैंपस
ये टूर भी दिखा दूंगी कि मैंने कहाँ पर वीडियो शूट किया है। तो बस इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करना है तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। तो ये देखिए, ये है बैकग्राउंड, मैंने ये बैकग्राउंड यूज़ किया और यहाँ पर वीडियो शूट किया। तो स्पेशली यहाँ पर ये जो US का फ्लैग है, यहाँ पर मुझे वीडियो शूट करना था। और मुझे ये मेरे कॉलेज का एरिया भी अच्छा लगता है। ये है वुल्स्टीन सेंटर, यहाँ पर ठंड भी है, फिर भी मैंने वीडियो शूट किया ठंड में। तो एक बार फिर से कॉलेज का एरिया दिखाती हूँ और फिर घर जाती हूँ।